चाट बनना आलू पूरी आलू आलू डाल दू कैसा लग रहा है जब बम बनेगा ना आगरा कानपुर लखनऊ का मसाला खा के ये व्लॉग चालू हो गया है और ये देखो कानपुर में भी लोगों के पास सर दिखाना अपना फोन आप आईफोन तो दिखा दे देखो व्लॉग चालू है यहाँ पे कानपुर में भी आईफोन 12 प्रो लेके बैठे हैं सरकारी मुलाजिम ये देखिए सरकारी नौकरी में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सर बट इट इज़ अ गुड टाइम इन द शो आप लोग बोलोगे बाकी सिटी के लोगों को आने को हाँ क्या अभी बोलो ना फिर ऐसे अच्छा रुको एक सेकंड और मजे मारते रुको गाइस अब मैं आप लोगों से मिलाता हूँ ये है दिव्य भाई ये कानपुर छोड़ना चाहते हैं एयरपोर्ट से निकलेंगे ये विद्यार्थी लोग का ग्रुप आया देखो ये छोटा बच्चा ये सारे कैरी मिराठी के फैंस और ये रहा शराबी ये रहा और ये रहे हमारे सरकारी भाई जो आईफोन ये इनके साथ मैम आपके डाल सकते हैं इनके साथ नहीं डाल सकते हैं डाल देना ये दोनों फ्रेंड है फ्रेंड एंड सुपर ऑडियंस एट कानपुर गाइस थैंक यू सो मच क्या खाया है सुबह से क्या क्या खा लिया तूने व्लॉग लिया हम लोगों तो अभी खाया सुबह से बिठाई पूरी और फिर क्या जलेबी जलेबी और फिर क्या लंच में तो पता नहीं लंच का हनुमान चाट चाट हनुमान चाट से टिक्की और बताशे और फिर अभी क्या पंडित से डिनर दाल बिना प्याज का चिली चिक्किया चिली पनीर बिना प्याज लहसुन का और भरसक खाना मतलब मैं क्या बताऊँ ये देखो ये रहा पेट यहीं से दिख जाएगा ये रहा अब ये बनारसी टी चावल मतलब आतंक ही मचा रखा है और शो करा वो अलग बीच में खाना पचाने का सिर्फ एक काम करा थोड़ी देर स्टेज पर खड़े होने और कुछ नहीं तो दोस्तों अभी आगरा और कानपुर के बाद हम आ गए लखनऊ में रहते हैं हमारे घर वाले मासी नानी और ये शालू दीदी और वो हमारे सुमित जिया जी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुमित जिया जी की दोबारा शादी भी हो सकती है ये अभी भी इतने जवान लगते हैं नहीं हाँ शालू दीदी सुमित जिया की दोबारा शादी हो सकती है देखो गाइस ये देख लो एकदम हीरो पूरे अमोल पालेकर एकदम शरीफ से सीधे से ये वैसे भी एकदम सीधे से एकदम एसबीआई में प्रॉपर क्या लग रहा है आपको सुमित जी की दोबारा शादी हो सकती है हम तो चाहते हैं कि दोबारा शादी करा दो मेरे को छुट्टी मिले छुट्टी मिल जाए मेरे को छुट्टी नहीं वो दोनों मेंटेन करेंगे ना हाँ, सही बात है मेरी भी हो सकती है ऐसे तो मेरी भी दोबारा शादी हो सकती है क्या कह रहे जिया जी इनने कहा अंदर बाहर दोनों एक ही चीज है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ बताओ क्या मतलब हमसे कह रहे हो तुम नहीं तुम कर लो दूसरी शादी दे दी तुमको हमने कर लो सही है खातिरदारी में समोसा बन रहा है नानी क्या इज्जत तो अभी अभी मैं और मासी इतनी देर इसलिए हंसे क्योंकि मेरे को याद है बचपन में एक बार मासी घर आया था पता है बचपन में जब ये आया था दादा कढ़ी भी से बनाए कहीं पहले दिन आओ तो बहुत इज्जत होती उसके बाद दूसरे दिन कोई इज्जत नहीं मिलती तो मैं बहुत छोटा था तो मैं इधर आया था तो पहले दिन आया भैया कड़ी वड़ी और पता नहीं नाना तीन तीन आओ तुम्हें मलैया खिलाए वो खिलाए अगले दिन मक्खन खूब सब बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा घी भी लगा लो करके और दूसरे दिन नॉर्मल घिया विया मिल रहा सिंपल तो मैं रोने लगी की रोटी मिल रही है तो मैंने अपने घर पे फोन करके बोल दिया मैंने कहा पहले दिन आओ तो इज्जत मिलती है दूसरे दिन से सब बेइज्जती करते हैं इसीलिए किसी के घर पे जाके ज्यादा दिन रहना नहीं चाहिए राज पर मिल रहा समोसा मोसा बन रहा है नानी इतना की मेहनत करनी है केदारनाथ कह रहे थे केदार मामा केदार मामा को घर पे भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त अच्छा बना ठीक है मतलब ठीक है खा सकते ओके दोस्तों तो इसके बाद लखनऊ में जो शो करा था लोगों से मिले थे उसका कोई भी वीडियो नहीं है क्योंकि मैं वीडियो लेने ही भूल गया यार तो देखो फिर आगे का Hi guys, welcome to another vlog. It's the same vlog. नहीं नया बनाएंगे ना ट्रेन का तो. ट्रेन का नया बनाएंगे. डब्बा और वो रही है. देख रहे हो?
देख रही है कौन कौन है। मैंने वो कर दिया सैनिटाइज। हाँ, ये रहा हमारा आज रात का शयन कक्ष। हमने बड़े दिनों बाद सोचा ट्रेन लेंगे। और पता है ये ना बहुत अच्छी कर दी है ट्रेन, पता है ये देख सैनिटाइजर। हाँ? का वो है हाइजीन फ्रेश। हाँ? ये कुछ तो स्प्रे होता होगा। और बाहर में कैमरा भी लगा है। अब पता नहीं है फर्स्ट एसी में ही है या वैसे। हाँ। बट बाहर कैमरा नहीं, इन सब ट्रेन में लगता है। ये सुपर फास्ट ट्रेन है ना, सब में इन सब में रहता है। बाहर कैमरा लगा हुआ है। हाँ। अच्छा पर बहुत ज्यादा ही साफ ट्रेन है। साफ है काफी। आई थिंक लोग भी अभी काफी केयरफुली ट्रैवल कर रहे होंगे, सब सैनिटाइजर ले लेके घूम रहे हैं। हाँ। रूम मतलब फ्रेशनर जो भी बोलते हैं उसको। बाकी लोगों ने भी करा है? सब ने किया फुसफुस। हाँ। जो भी घुसा है। आने वाला मीम देखा, हमारा सैनिटाइजर पुचिक, अपना सैनिटाइजर पुचिक, और दूसरे का सैनिटाइजर पुचिक 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 पुचिक। और टीटी सर आ रहे हैं चेकिंग के लिए, और सबसे बड़ी इज्जत से पूछ रहे क्या शुभ नाम है आपका। मुझे वो वाले दिन याद है जब मैं स्लीपर पे जाया करता था। मैं भी चले जाऊँगा स्लीपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर हेलो, गौरव कपूर श्रेया शर्मा। और आपको लगता है कि आपकी चलती क्या ट्रेन, भाई ट्रेन चलती क्या, जल्दी देखो हमारे पीछे ट्रेन निकल गई, अचानक से हमने इधर देखा फिर उधर देखा फिर स्टेशन अपनी जगह पे था, तो हमारे किसी और की ट्रेन गई थी। अच्छा नई चीज शुरू हुई है भाई ट्रेन में, हमें पता नहीं था। वो तो किस्मत है कि आने के 15 मिनट पहले पता चल गया कि बेडिंग मिलना बंद हो गई है अब, और मतलब कोविड की वजह से नहीं, इट्स परमानेंटली स्टॉप नाउ इन ऑल द क्लासेस, इट इज स्टॉप नाउ। तो मासी की पूरा घर गृहस्थी का उनकी कंबल चादर सब उठा करके ले आए। कभी फोन पे बात कर रही हूं इनका लगी फैमिली का रोज का कन्वर्सेशन चलता रहता है। अभी हमारी फैमिली देख लो 6 दिन 15 दिन में एक बार फोन। हाँ ठीक हो, ठीक हो, हाँ चलो ठीक है। हो गया, फोन रखना एक बार बात कर रही हूं मैं कुछ। करो बात ना व्लॉग में। मुझे मैं व्लॉग में सब कुछ नहीं बात करती, वो बंद कर ना। नहीं करूंगा। हाँ बोल। लिए थे ट्रेन ये सोच करके कि सवेरे फ्लाइट में फॉग मिल जाएगी और डिले होने काफ़ी चांसेस है। थी वैसे 3-4 फ्लाइट 8 से 10 के बीच की, पर नॉर्थ की फ्लाइट नॉर्थ की फ्लाइट कैंसिल होने के बहुत चांस होते हैं इस टाइम के ऊपर। तो हम सोचे ट्रेन ले लेते हैं, ट्रेन तो पहुँचा ही देगी, अच्छे से क्या होगा 1 घंटा लेट हो जाएगी ये ट्रेन स्टेशन पर ही। जो ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाए ना, समझ जाना ये तुम्हें झिलाएगी। और ये सुपर फास्ट ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है इस वक्त, इस स्पीड से मैं भाग सकता था एक वक्त, अभी नहीं भाग सकता। श्रेया क्या लग रहा है आपको, हम कितनी देर में पहुँचेंगे? नॉर्मल रास्ता है इसका 7 घंटा 45 मिनट, 8 घंटे का। मुझे तो बस ये ठीक लग रहा है कि मैं पहली बार फर्स्ट क्लास में आई हूँ। ये देखो तो मेरी तो ये एक्साइटेड। ये तो ऐसा है कि पता नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है नॉर्मल, ऐसा भी कुछ नहीं है नॉर्मल, सेकेंड एसी जैसा ही है। ज़्यादा मतलब प्लेन में फ्लाइट्स में ट्रैवल कर करके वैसे पेशेंस थोड़ा कम तो हो गया। मेरा कोई पेशेंस कम नहीं है, मैं तो आराम से बैठूंगा, कल 12 बजे तक आराम से चलेंगे। ऐसा लगता है कि जल्दी से आप पहुंच जाएं आधे घंटे में 1 घंटे में डेस्टिनेशन। नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता, क्या है जिंदगी। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रेन ट्रैवल शुरू करूँगा, ये लोकल जगहों का सब ये फर्स्ट ही सेकंड एसी मारो और हमें सटासट मारो ट्रेन ट्रैवल, आराम से पहुँचो साला, पूरा दिन मिलता है भाई। ट्रेन के बेस्ट पार्ट पता क्या है, व्हेन यू आर इन ट्रेन दैट टाइम इज योर टाइम, नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर, नथिंग इज प्रॉपर, यू जस्ट इट्स लाइक इट्स योर टाइम, यू लिव योर टाइम। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, टेल मी इन कॉमेंट्स वॉट योर राइज सो दैट वेन यू कॉमेंट देर इज मोर एंगेजमेंट। Okay guys, so if you like the vlog, do subscribe to the channel. As I've told you in the earlier vlogs also, we are very close to 150,000 subscribers. तो करा दो भाई अभी के अभी, इसी में कर, वैसे मेरे को पता नहीं होगा इसमें 2-3 हज़ार ही बढ़ते हैं, वो भी शायद, तो ठीक है, बट ट्राई मारो एटलीस्ट, इफ यू कैन गेट इट टू 150,000 दैट विल बी ग्रेट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, न्यू व्लॉग विल बी आउट वेरी सून, ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ ठीक, अब देखना होगा डेडलॉक। हाँ कुछ नहीं होने वाला। ओके बाय।